आखिरकार लंबे समय के बाद भुवनेश्वर सूरत बेंगलुरु फ्लाइट शुरू हो गई। सोमवार सुबह जब भुवनेश्वर से आई फ्लाइट सूरत पहुंची, तो यहां एयरपोर्ट पर वाटर कैनन सैल्यूट देकर उसका स्वागत किया गया। सूरत और नवसारी के सांसदों ने भी यात्रियों का स्वागत किया। पिछले काफ़ी समय से सूरत और भुवनेश्वर के बीच विमान सेवा शुरू करने की मांग की जा रही थी। सोमवार सुबह 10:40 पर भुवनेश्वर से एयर इंडिया की फ्लाइट सूरत आई। इस फ्लाइट में 80 यात्रियों के साथ भुवनेश्वर की सांसद अपराजिता सारंगी भी सूरत आई। सूरत सांसद दर्शना जरदोश और नवसारी सांसद CR पाटिल ने सूरत एयरपोर्ट पर सभी का स्वागत किया। सूरत से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई फ्लाइट में 150 यात्रियों ने सफ़र किया। यह फ्लाइट शुरू होने से सूरत में बसे प्रवासी उड़ियावासी काफ़ी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वायर। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें।